सपनों को देखने के लिए आप कौन हो, कहां से आते हो, कहां पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं है, ये सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग ये सोच कर बैठे रहते हैं, इसके जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करते रहते हैं। आप अपनी मेहनत से और लगन से आपकी किस्मत बदल सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि आप खुद ही आपकी किस्मत लिख सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो के सक्सेस के बारे में, उनके शौहरत के बारे में शायद ऐसा कोई होगा जिसको पता नहीं होगा। हो सकता है कि आपको उनके बचपन के बारे में पता ना हो। दुनिया के सबसे महंगे और सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनने तक का जो सफ़र है रोनाल्डो का, वो उनकी कामयाबी से भी बड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में। आज का टॉपिक सजेस्ट किया है अक्षय ने, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूं जस्मिन पटेल और आप सब पर चैनल पर बहुत स्वागत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मदिरा में हुआ था। उनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस अवियरो। पिताजी का नाम जॉस डेनिस अवियरो और माताजी का नाम है मारिया। रोनाल्डो का एक भाई है, दो बहनें भी हैं। उनके पिताजी ने उनका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम से रखा था। रोनाल्ड रीगन एक एक्टर भी रह चुके हैं और उनके पिताजी यानी कि रोनाल्डो के पिताजी रोनाल्ड रीगन के बहुत ही बड़े फैन थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने रोनाल्डो रखा। उनके पिताजी के काम की बात करें तो वो एक नगर पालिका में माली का काम करते थे। तो कुल मिला के रोनाल्डो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। एजुकेशन की बात करें तो गरीब परिवार था, तो ऑब्वियसली तकलीफें तो बहुत थी बच्चों को पढ़ाने में, और वैसे भी भाई को पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं। एक बार तो मिसबिहेवियर की वजह से भाई को स्कूल से निकाल भी दिया गया था। उनको बचपन से ही फुटबॉल में मन लग गया था। जब उन्होंने पहली बार अपने घर पर बताया कि वो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी माँ ने उनका साथ दिया। सिर्फ 8 साल की उम्र में रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर दिया गया। जब 10 साल के हुए तो उन्हें नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर दिया गया, जो शहर का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब था। 2 साल तक उसके लिए खेले। जब 12 साल के हुए तो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में गए और अपना ट्रायल दिया। 12 साल के लड़के का फुटबॉल खेलने का हुनर देख के उन्हें 1500 पाउंड में साइन किया गया और अपनी टीम में शामिल कर दिया गया। अब ये क्लब लिस्बन में था, तो फुटबॉल के लिए रोनाल्डो भाई साहब को अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन आ गया, बहुत दुख हुआ उनको, क्योंकि बहुत ही छोटे थे, 12 साल का बच्चा कैसा होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया फुटबॉल के लिए, अपने सपनों के लिए। हालांकि आज हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी 20 साल के, 22 साल के, कभी कभी तो 25 साल के बच्चे भी अपने बच्चे तो नहीं कह सकते, यंग लोग भी अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने ड्रीम के लिए आजकल घर नहीं छोड़ पाते। उनको बड़ा कठिन लगता है कि घर को कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब वो अपना कम्फर्ट जोन तोड़ नहीं पाते हैं। जब 14 साल के हुए रोनाल्डो तो उन्हें पता चला कि उन्हें हार्ट की एक भयंकर बीमारी है। डॉक्टर्स को दिखाया गया, डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी भागदौड़ वाला काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसमें उनको फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहना पड़े, ऐसा कोई काम वो नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के वो फुटबॉल तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। अब रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ने वाली बात, मतलब किसी ने जान ही मांग ली थी, ये बात हो गई। इतने छोटे थे, अभी अभी प्यार हुआ था फुटबॉल से, इतने सपने देख लिए थे, और एक बीमारी की वजह से सारे सपनों को एक झटके में, एक पल में तोड़ देना, वो उनको मंजूर नहीं था। हालांकि इसका रास्ता था एक सर्जरी, लेकिन सर्जरी रिस्की थी, लेकिन फिर भी रोनाल्डो ने सर्जरी कराने का फैसला किया, क्योंकि क्या हो जाएगा, उन्होंने सोचा कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी, लेकिन मैं फुटबॉल छोड़ दूंगा तो वैसे ही जान चली जाएगी, वो रह नहीं सकते फुटबॉल के बिना। सर्जरी करवाई और लकीली वो सक्सेसफुल रही। सर्जरी के बाद आराम करने की जगह भाई साहब ने शुरू कर दिया वापस फुटबॉल खेलना, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसी बीच 52 साल की उम्र में उनके पिताजी का शराब पीने की वजह से निधन हुआ। किसी भी बेटे के लिए उनके बाप को खो देना ये बहुत ही बड़ा दुख होता है, खास करके इस उम्र में। रोनाल्डो कभी भी सिगरेट और शराब नहीं पीते हैं, क्योंकि शराब की वजह से उनके पिताजी का निधन हुआ था। और बात निकली है तो मैं आपको बता दूं साथ में कि रोनाल्डो रेगुलर ब्लड डोनर है, वो रेगुलरली अपना ब्लड डोनेट करते हैं, इसी वजह से उन्होंने कभी भी अपने बॉडी पर कोई टैटू नहीं करवाया है,
ताकि वो रेगुलरली और आगे भी ब्लड डोनेट कर सके। पिताजी के जाने के बाद घर की परिस्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी। अब इतना गरीब परिवार था, एक छोटा मोटा काम कर रहे थे उनके पिताजी, अब वो एक छोटी सी इनकम थी वो भी बंद हो गई, तो उनकी माताजी ने घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और लोगों के घर पर जाकर काम करना शुरू किया। लोगों के लिए वो खाना बनाते थे। छोटे से रोनाल्डो को बहुत ही दुख होता था। अब ये रोनाल्डो की आधी कहानी मैंने आपको बताई। अब आप शुरू से देखिए कि एक के बाद एक उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ये सुनने के बाद, ये सीन देखने के बाद, कि ऊपर वाले का कोई पर्सनली दुश्मनी होगी इस बच्चे के साथ, है ना। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सबको दुनिया में सबको यही लगता है कि सब कुछ मेरे साथ ही होता है। मतलब क्या प्रॉब्लम है यार आपको मुझसे, एक ढंग का काम हो नहीं रहा है, आप दूसरे चार पांच भेज देते हो प्रॉब्लम। सबको यही लगता है, उसमें ज़्यादातर लोग ट्वीट कर देते हैं कि छोड़ भाई ये अपने लिए है नहीं, कुछ और कहना चाहता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, रोनाल्डो ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्यों हो रहा है, उन्होंने ये सोचा कि मैं कितनी मेहनत करूं और मुझे अपने आप को और कितना तैयार करना है ताकि मैं कुछ बन जाऊं और मेरी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी दूँ जो उसको कभी नहीं मिली है। उन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया अपने आप को काबिल बनाने के लिए, मास्टर बनाने के लिए। उनका एक ही मकसद था कि फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा नाम करना है। और अपने आप को मास्टर बनाने के बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मैच खेला पुर्तगाल के लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से। मैच था यूनाइटेड मैनचेस्टर के खिलाफ। अब जिसके खिलाफ खेलने गए थे उन्हीं लोगों ने, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल कर दिया। एलेक्स फर्गसन ने रोनाल्डो को देखा होगा उस मैच के दौरान, शायद उनके फ्यूचर को भी देख लिया होगा, तभी ये मुमकिन हुआ। क्योंकि उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को $17 मिलियन ऑफर किए थे अपनी टीम में लेने के लिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने यंग प्लेयर को इतनी बड़ी रकम चुकाई गई है अपनी टीम में लेने के लिए। क्लब ने रोनाल्डो को 7 नंबर की जर्सी ऑफर की। रोनाल्डो ले नहीं रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ था ये 7 नंबर। फिर भी रोनाल्डो को यही जर्सी दी गई। बाद में ये नंबर उनके लिए लगे साबित हुआ और धीरे धीरे करके रोनाल्डो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो काफ़ी खेले। फिर 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल कर दिया $132 मिलियन देके। कॉन्ट्रैक्ट था 2009 से 2015 तक का, लेकिन दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर को खोना नहीं चाहता था रियल मैड्रिड, तो उन्होंने 2015 से 2021 तक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया 1,864 करोड़ देके। बेस्ट फुटबॉलर तो थे ही रोनाल्डो दुनिया के, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर भी बन गए। आपने इस पूरी कहानी में क्या देखा? एक बच्चा एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक मुसीबत उसके सामने आ रही है। वो बच्चा एक टारगेट फिक्स करता है, एक फील्ड में कुछ करना चाहता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत यहाँ पर आ रही है। लेकिन फिर भी उस बच्चे का ध्यान यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है काम करने में लगा हुआ है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, अपने आप को माहिर बनाते 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 इतना मास्टर बन जाता है, इतना मास्टर बन जाता है कि एक दिन वो सारी मुसीबतों को फूंक मार के उड़ा देता है। इतना मास्टर बन जाता है कि पूरी दुनिया उसके सामने लाइन लगा के खड़ी रहती है अपनी टीम में लेने के लिए, मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार है। पैसों का प्रॉब्लम था ना, कितने पैसे आज रोनाल्डो के पास, इतनी बड़ी शोहरत है, उसका नाम है, पावर है। हमारे कॉन्वोकेशन डे पर हमारे एक प्रोफेसर ने कहा था कि आप लोग लाइफ में क्या करोगे मुझे पता नहीं है, मतलब आप लोगों ने इंजीनियरिंग तो कर ही लिया है, मुझे पता नहीं है कौन कौन इस फील्ड में क्या क्या करेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम ज़रूर सीखना, एक ऐसा काम जिसमें आप मास्टर हो, मतलब उतनी मास्टरी हो आपको उस काम में कि आप जैसा वो काम दुनिया में और कोई ना कर पाए। वो काम कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि दुनिया उस काम को छोटा कहे, लेकिन आपका अगर हुनर उसी काम में है उसी काम को करो, दुनिया क्या कहती है फॉरगेट इट, लेकिन उस काम को ऐसे करो कि पूरी दुनिया में आपके जैसा ना कर पाए कोई। आप ये बात बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन ये वीडियो पूरा होने के बाद इस बात को आंख बंद करके एक मिनट सोचना। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में, आप मार्क करना कि वो सारे लोग अपने अपने फील्ड में एक एक काम अपने अपने काम में मास्टर है, इसलिए वहाँ पर है और इसलिए उनके पास आज सब कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आए, हर चीज़ में आप मास्टर हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना मेहनत मत करो, लेकिन एक काम ऐसा करो जिसमें आप मास्टर हो।
जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको हर चीज़ नहीं आती है यार, वो अपने फील्ड में इक्के हैं, उनको हर चीज़ नहीं आती है। ठीक है, ज़रूरत भी क्या है, हर चीज़ में आप मास्टर हो, क्यों ऐसे चारों तरफ क्यों तीर मारने, है ना? कहाँ तो लोग तो यही करते, ऐसा मत करो। जितना करना है, जितना आपको आना चाहिए उतना ठीक है, लेकिन कोई एक काम ऐसा पकड़ना कि उसमें आप पूरा मतलब अपना 100% दे दो, पूरा आपका दिलो दिमाग उसके अंदर आप दे दो, आपका पूरा एफर्ट, जिंदगी, टाइम, आपको जितना प्यार करना है उसे काम से करो। अपने आप को उस काम में एक्सट्रीम लेवल पर लेके आ जाओ। जिस दिन आप इस लेवल पर आ जाओगे पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। अब आपको ये सोचना है कि आपका वो काम कौन सा है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर इसका जवाब पता ही ना चले। लोगों को इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि वो कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद से बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन जवाब मिलेगा अगर आप चाहते हो तो। और जिस दिन ये जवाब आपको मिल जाए ना, सब कुछ भूल भाल के फोकस करके शुरू हो जाओ। ओके, देन आज की बात ये तक रखते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जी चिल्स के वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। उसके अलावा आप जो भी कमेंट करना चाहे, आपके थॉट्स, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सवाल, आपके सजेशंस, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको उन तीन लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन फायर वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, इसका सही जवाब है CH4। टॉप थ्री में जिन्होंने आंसर किया उनका नाम है दुर्गेश कुमार, करवी गुजरात, भाई हमारा गुजरात दीजिए। और तीसरे नंबर पर आंसर किया है अंकित कुमार ने, वेल डन, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि रोनाल्डो अभी कौन सी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, रोनाल्डो अभी रिसेंटली कौन सी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अकाउंट में 10 पॉइंट का जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।